जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल DS न्यूज़ पर। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि सोहक किससे जुड़कर बना है, यानी सुरभि और मोहक से जुड़कर तो बना है सोहक। दोस्तों अगर सुरभि और मोहक का ब्रेकअप हो गया होता तो वो सोहक फैन पेजेस को कभी भी रिपोस्ट नहीं करते, लेकिन मोहक नारंग ने अभी अभी सोहक फैन पेजेस को रिपोस्ट किया है, जहाँ मोहक ने सोहक को रिपोस्ट करते वक्त एक इमोजी भी डाला है जो की काफी खुशी का संकेत देता है। तो मोहक नारंग अगर सोहक के फैन पेजेस को रिपोस्ट कर रहे हैं तो ये क्लियर साइन है कि मोहक नारंग और सुरभि का ब्रेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि सुरभि राठौर भी सोहक फैन पेजेस को रिपोस्ट करती हैं। दोस्तों भले ही सुरभि राठौर और मोहक नारंग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सुरभि और मोहक का ब्रेकअप नहीं हुआ है। भले ही दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, इसके पीछे कोई और कारण है, लेकिन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि सोहक बने ही है सुरभि और मोहक को बनाकर। अगर सुरभि और मोहक का ब्रेकअप हो गया होता तो फिर वो सोहक के फैन पेजेस को क्यों रिपोस्ट करते। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, जो मोहक नारंग ने सोहक फैन जिसको रिपोस्ट किया है तो उसी वॉइस पर सुरभि राठौर ने भी एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों इससे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से शायद अभी भी बात कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो और शायद वो दोनों जल्द ही मिलने वाले हैं एक दूसरे से। दोस्तों इससे यही लग रहा है कि सुरभि और मोहक का ब्रेकअप नहीं हुआ है, शायद दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो जिसकी वजह से सुरभि और मोहक एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मोहक नारंग का सोहक फैन पेजेस को यूं रिपोस्ट करना और फिर सुरभि राठौर का भी सोहक फैन पेजेस को रिपोस्ट करना, दोस्तों इससे लग रहा है कि दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो क्लियर हो गई है और सुरभि और मोहक जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं। वेल दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भी सुरभि और मोहक के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें सबसे पहले हमारी वीडियोस।